बाल विकास एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी चोपटा द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों ने अपनी सुंदर प्रस्तुतियों से सभी को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम में सहायक प्रोफेसर व हरियाणा व्हील चेयर क्रिकेट टीम के सदस्य सीताराम ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चोपटा के सोसाइटी के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। ये दिन विशेष दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग जन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है और सभी 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस के नाम से जानते हैं। और हमारे पास लगभग 25-30 के लगभग ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनको हम शिक्षित कर रहे हैं और बाल विकास एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी इनके लिए निःशुल्क कार्य कर रही है, जो कि 2017 से इस चोपटा क्षेत्र में कर रही है, जो कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के ही बच्चे हैं जो कि समाज में जिनका इतना स्थान नहीं है, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए संस्था उनके लिए काम कर रही है। तो आज बच्चों की हमने कम से कम 2-3 महीनों से इन बच्चों को हम तैयारी करवा रहे हैं ताकि वो अपनी प्रस्तुति और अपनी योग्यता को समाज के सामने रख सकें और अपना स्थान बना सकें, ताकि समाज के प्रति उनकी सोच बदले, उनका दृष्टिकोण बदले और समाज में उनको आगे आने का मौका दिया जाए। वहीं इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीताराम ने कहा कि चोपटा क्षेत्र में बाल विकास एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति लोगों को जागरूकता और समझ को बढ़ाना है। आज जो है बाल विकास पुनर्संस्थान जो पुनर्वास केंद्र है चोपटा में, यहाँ पर विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है और इसके इस अवसर पर मुझे जो है मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ इन्होंने आमंत्रित किया। इसके लिए मैं सबसे पहले इस संस्था का जो धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो दिव्यांग विद्या बच्चे थे, सभी बच्चों ने एक से बढ़कर के एक मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी और इन विद्यार्थियों को देख करके लगता है कि भी सभी विद्यार्थियों में कोई न कोई एक कला होती है और इस कला को जो बाहर निकालने का काम अध्यापक का होता है। और यहाँ के जो अध्यापक है, जो संस्था संचालक है, सभी ने बहुत बढ़िया मेहनत कर रखी है इन विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए। तो हम दुआ करते हैं कि भी ये आगे भी बढ़िया मेहनत करते रहें और इसी प्रकार से जो एक समाज के एक प्रकार से कह सकते हैं कि पिछड़े जो वर्ग है, जो दिव्यांग है, उसको ये आगे बढ़ाने का बहुत ही एक नेक काम कर रहे हैं।